नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम एग्रो फार्म और मैं प्रेम राजस्थानी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे बेहतरीन क्वालिटी की गिर नस्ल की गायों का एक कलेक्शन, जिसमें अधिकतर गायें गुजरात से आई हुई और शानदार लीलडी ब्रिड की गायें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल प्रेम एग्रो फार्म को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो आइए चलते हैं सीधे फार्म पर और मिलते हैं फार्मर से। तो आज हम आए हुए थे अजमेर, जहां किशनगढ़ के पास अराई में हमारे मित्र सीताराम जी गिरी का फार्म है, जो अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में गिर के बहुत बड़े मतलब व्यापारी है, शौक रखते हैं और गुजरात से भी गायें लाते हैं और यहाँ भी कोई क्वालिटी में हो तो वो भी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मिलवाते हैं आपको सीताराम जी से और देखते हैं उनकी गायें। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। तो पहले अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस बताओ। मेरा नाम सीताराम गिरी है जी, और मैं गोस्वामी डेयरी फार्म से हूँ। हाँ जी। और मेरे जो डेयरी है वो है अपने राजस्थान में अजमेर जिले में किशनगढ़ के पास इंदौली गाँव है जी, पास में बड़ी सिटी किशनगढ़ है। हाँ, और मेरे मोबाइल नंबर है 75684 72113 जी। ठीक है, तो आप यहाँ राजस्थान और गुजरात से दोनों जगह से गाय लेते हो ना? राजस्थान वाली तो कभी कभार कोई एक दो गाय लेता हूँ, बाकी ज्यादा गुजरात से। ये भी गुजरात की है? हाँ, ये गुजरात की है। किस ब्यांत में है? सेकंड ब्यांत में है, ये नीचे मेल का फेस के नीचे। अच्छा, इसका ब्लैक कवर है, बछड़ा बहुत बढ़िया है ये। देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी का था ये, देख बछड़ा। हाँ, ब्रीडिंग लाइन का बछड़ा है। हाँ। और अभी कितना दूध निकाल देती है? अभी 9 लीटर के आसपास है दोनों टाइम का, तकरीबन 11-12 लीटर दूध देगी। तीन चार दिन की जनी हुई है। 12-13 लीटर मिल्क क्षमता की गाय है और अभी 9 लीटर दूध निकाल रही है। बिल्कुल छोटा बछड़ा है, ताजा जनी हुई है, दिन की है। और ये पास वाली लीलड़ी है? ये लीलड़ी सेकंड ब्याह की है, इसके नीचे ये लीलड़ा बछड़ा है। अच्छा, इसके भी नीचे बछड़ा है, ये भी टॉप क्वालिटी का बछड़ा है, लीलडी ब्रिड की गाय है। दूसरे ब्यांत के अंदर ये कितना दूध निकाल रही है? अभी प्रेजेंट टाइम में 10 लीटर है, वही 12 लीटर में रहने वाली है। हाँ, अभी इसकी मिल्किंग हम आए तब चल रही थी, तो ऑर्डर इसका भी खाली है, बछड़ा दूध पी रहा है। ये भी टॉप क्लास की फुल हाइट लेंथ वाली गोमाता है। ये देखो हाइट, देखो ये देखो मेरे बराबर है, बड़े हाइट की है, बॉडी स्ट्रक्चर शानदार है। ये एक और आगे जो खड़ी है, ये वाली के नीचे बछड़ा है, ये वाला इसके नीचे ये बछड़ा है ना? हाँ, ये थोड़ा क्वालिटी में कम है। हाँ, थोड़ा सा। ये राजस्थान वाली गाय है। अच्छा, ये राजस्थान अपने किशनगढ़ अजमेर की गाय है। ये राजस्थान वाली गाय है और इसके नीचे, हाँ, गाय तो खूब क्वालिटी में है साहब, राजस्थान के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की गाय। ये कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में ये बछड़ा है। अभी प्रेजेंट टाइम में 9 लीटर दूध है, 1 लीटर और बढ़ जाएगा, 10 लीटर के आसपास रहेगी ये। इसकी प्राइस क्या हो सकती है? इसकी प्राइस है 40,000 रुपए। इसके 40,000 रुपए डिमांड है, उनकी बताने का मूड है क्या? हाँ, ये 65,000 रुपए की है। इसकी 65,000 रुपए और उस एक नंबर वाली की? ये वाली 55,000 की है। उसकी 55,000 रुपए डिमांडिंग प्राइस है। कोई भी इच्छुक बायर हो तो सीताराम, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है इसमें। हाँ, जैसे रेट बताई, प्राइस भी। हाँ, वो चीज। हाँ, और ये बछड़िया है गुजरात से आई हुई, वो भी सेल के लिए है। हाँ, ये दो बछड़िया। अच्छा, ये भी बछड़ी मतलब अलग से आई हुई है? हाँ, अलग से गुजरात से लाए। हाँ, ये देखो कान की, देखो ना क्वालिटी आप। हाँ, नहीं बछड़ी की क्वालिटी दिख रही है, मैंने सोचा गाय के पीछे होगी। नहीं 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 भाई, ये 9 महीने की हो चुकी है बछड़ी। अच्छा, 9 महीने की बछड़ी है और अच्छे ब्रिड करेक्टरों की, बिल्कुल छोटी आंख है अंदर की तरफ जाती और थन है, घुमावदार कान इसके, इसके। अभी देखो मैं पकड़ता हूँ इसे, रुकेगी नहीं। बाकी इसके थन आप देखो, देखो थन, देखो इसमें कोई कमी नहीं इसके। देखो इसके थन, देखो चार ही थन है, देखो चार ही थन है आज, बिना कैमरे तो दिख रहे हैं चार थन आज। बहुत शानदार थनों की बनावट अच्छी है सर। ये देखो, ये इसकी अगर प्राइस पूछ लें तो फिक्स प्राइस 11,000 रुपए, उसमें कोई हार नहीं। इसके 11,000 रुपए और उसके, ये वाली एक ही है। हाँ, इसके 25,000 रुपए डिमांड है। ये भी उम्र में बड़ी है, क्वालिटी में वो भी अच्छी है, मुंह वगैरह की बहुत अच्छी बनावट, सुंदर बछड़ी है। ये 25,000 की है, इसकी डिमांड 25,000 रुपए। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत बार्गेनिंग, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो पशुओं में चलती है ना। हाँ, बाकी जैसे अभी इस बछड़ी का बताया तो वो फिक्स छोटी। हाँ, 11,000 में तो क्या बार्गेनिंग। हाँ, उसमें क्या बार्गेनिंग बताऊँ, इसलिए फिक्स बताइए। और ये एक बोनी गाय आपकी, शुरू से ही मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह, बस ये तो घर के लिए। हाँ, ये तो बस घर पे सेवा के हिसाब से, जब मैं देखता हूँ तो ये रखी हुई है। इसके नीचे बछड़ी है जनी हुई है अभी, ये तो एंटीक पीस मान लो, यूनिक है। ये आपको दिखा देते हैं, बेचने के लिए नहीं है,
ये रखने वाली गाय है भाई साहब की बोनी गाय है, इन्होंने शौक से पाली है इसको, बिल्कुल शांत स्वभाव। अभी 3.5 लीटर एक टाइम का, दोनों टाइम का 7 लीटर दूध है, 6 से 7 लीटर दूध निकालती है, अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल शांत स्वभाव की, छोटी साइज में इसकी है ना, बिल्कुल मेरी कमर से नीचे आ रही है, 3 फीट से कम ही है इसकी, हाँ कमर से नीचे 3 फीट से कम ही है, 3 फीट से कम ही है। तो ये यहाँ आपको दिखाई 3 से 4 गाय और 2 बछड़ी सेल के लिए उपलब्ध है, कोई भी इच्छुक बायर हो तो सीताराम जी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। राम राम। ये सेल हो गई है ना? हाँ ये सेल हो गई। ये भी गुजरात से आई हुई थी? हाँ गुजरात वाली गाय, सभी गुजरात वाली है। ये अच्छी हाइट लेंथ की टॉप क्लास की दिख रही है और ये भी गुजरात की है। हाँ इसके बच्चे नहीं है, बगैर बच्चे के दूध दे रही है। अच्छा इसका बच्चा मतलब नहीं रहा? हाँ बछड़ी आई थी वो मर गई। ये रडार सिंगों में क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी भी, अच्छी गाय है सर। बच्चा नहीं है। ये दूध कितना निकालती है? अभी प्रेजेंट टाइम में 4.5-5 लीटर दूध है। 4.5-5 लीटर निकालती है एक टाइम का। वो जो लीलड़ी है वो लीलड़ी बच्चा देने वाली है, अब जनने वाली है। हाँ ये भी गुजरात से है क्या? हाँ गुजरात से बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल सीधी शरीफ एकदम। ये कौन से ब्यात में बड़ी गाय है? ये 3री ब्यात की है। कितना दूध की है ये? तकरीबन मेरे हिसाब से 12 से 14 लीटर। 12 से 14 लीटर के बीच में क्षमता की अच्छी क्वालिटी की गाय है। इसकी क्या डिमांडिंग प्राइस है? इसके 70,000 रुपये। अच्छा इसकी प्राइस 70,000 रुपये डिमांड की जा रही है, जिसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो हो ही जाएगी ना। हाँ बहुत अच्छी गाय है साहब।